हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा ड्रेसअप, और ये ड्रेसअप है माता महारानी की आराधना के लिए। जी हाँ, हमारे मंदिर में सुहागलन पूजन का आयोजन किया गया है, सुहागली पूजा जिसे कहते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है और उनका कैसे आह्वान और विधि पूर्वक पूजा के लिए। हमारे दुर्गा मंदिर में आज सुहागली पूजा का आयोजन हुआ है और आप देख सकते हैं सुहागलें पूजा, जो कि सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार, जी हाँ आप 3 दिन कर सकते हैं, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये दिनों का बेहद महत्व रहता है, इस दिन सुहागले पूजा की जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 16 श्रृंगार किया हुआ है। आप अच्छे से सुंदर से 16 श्रृंगार करके आप माता की आराधना में शामिल होइए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सुहागन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके ही सुहागली पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। उसी के साथ अगर आप साड़ी या अगर आपके पास लहंगा चुनरी है तो आप वो डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, और नहीं है तो आप साड़ी भी वेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुहागली पूजा में शामिल हो रहे हैं तो आप साड़ी का ही चुनाव कीजिए। आज शालिग्राम तुलसी के विवाह होता है 11 को, उसके उपलक्ष्य में उनकी सुहागले हम करते हैं, हर साल होती है। सबसे प्रथम यहाँ हम चौक डालते हैं, अच्छे सिंदूर हल्दी सबसे, गौर गणेश रखते हैं, कलश स्थापित करते हैं, माता तुलसी रखते हैं, और फिर हम सब नगर सुहागले हम लोग सभी लोग करते हैं और बड़े धूमधाम से होती हैं, हर साल होती हैं ये सुहागले। और मेरा नाम श्री वंदना त्रिपाठी, ये मिट्टी है, ये अपनी ही वन देवी माता है और ये उनकी प्रतिमा बनाई है, इसलिए इनके चरण हैं और ये अपनी वन देवी माता है, क्योंकि इन्हीं की पूजा होती है। और आप देख सकते हैं कि पूजा की थाल इतनी सुंदर से तैयार की गई है और सुहाग का सामान रखा हुआ है, और सभी सुहागले जो भी यहाँ सम्मिलित हुई हैं सभी मंदिर प्रांगण में पहुँच चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि माता महारानी की पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कलश देवता के ऊपर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। साथ ही पान के पत्ते में गौर गणेश को स्थान दिया गया है, उन्हें विराजित किया गया है। ऊपर जो आप डिगलियां देख रहे हैं, छुई की डिगलियां हैं, वही माता हैं। उन्हें भेंट के स्वरूप में अक्षत, पुष्प, गंगा जल आदि से पवित्र करके उन्हें श्रृंगार किया जा रहा है। अगर आपके पास गुड़हल का फूल नहीं है तो आप कोई भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं, माता को जासून का फूल बेहद पसंद है। सिंदूर से उनको रंगा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि माता को और उनकी प्रतिमा को सिंदूर से रंगा जा रहा है। उसके साथ ही उनको महावर चढ़ाया जा रहा है। माता को महावर चढ़ने के बाद आप सभी जो देख रहे हैं सुहागले हैं वो अपने पैरों में महावर लगाती हैं, और माता को प्रसन्न करने के लिए ऑरेंज सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि माता की चौकी में चूड़ियां जो हैं, चूड़ियां और बिंदी, बिंदी के पत्ते, सिंदूर, महावर, ये जो माता को प्रिय है श्रृंगार, उनको चढ़ाया जा रहा है, और यही पूजा के उपरांत सभी सुहागनों को बांटा जाएगा। आप देख सकते हैं माता को सवा पाव गुड़, चना और मीठे में पेड़े का भोग माता को अर्पण किया जाता है। राजा जी ने अपनी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से किया, दहेज में सब कुछ दिया, भूल गए। और यहाँ से बारात की जब लड़की की विदा हुई और वहाँ लड़की अपने घर गई, तो वहाँ पर जब रास्ते में पहले क्या था कि पहले गाड़ी घोड़ा ये कुछ नहीं चलते थे, पैदल लोग आते थे, राजा महाराजा हाथी घोड़ा पालकी में आते थे। जब ये ऐसा होता था तो फिर ऐसे होते होते जब वो रात हो गई तो अंधेरा था, तो कुछ दिख नहीं रहा था रास्ते में, तो बोले कि राजा जी अब तो कुछ दिखाई नहीं देता है, क्या करें, तो बड़ा रास्ता भटक जाएंगे अपन।
तो राजा जी बोले कि ऐसा करो कि अब यहीं डाल दो पड़ाव, रात रुकेंगे, जैसे भोर होगा तो अपन फिर चलने लगेंगे। बोले ठीक है। तो बोले राजा जी दहेज में हाथी घोड़ा भी मिले हैं, तो बोले ऐसा करो कि दहेज के सामान में रस्सी खूंटा रखे होंगे तो निकालो और उनको भी व्यवस्थित करके बांधो। जब दहेज में देखे तो रस्सी खूंटा नहीं थी, तो सैनिक लोग बोले कि राजा जी इसमें रस्सी खूंटा तो है नहीं। तो बोले कि अरे कैसे हैं राजा जी, बताओ इतना सब कुछ दिए रस्सी खूंटा नहीं दिए, शायद अथवा भाई मजाक किए हों या सीरियस बोले हों, ये जाने माता जगदम्बा। तो बोले ऐसा करो जब राजा जी ने नहीं दिया तो लड़की की गर्दन और चोटी से बांध दो। माने गर्दन हो गई लड़की की खूंटा और चोटी हो गई रस्सी। तो बोले लड़की की गर्दन चोटी से बांध दो। तो अब भगवान जाने जैसा हुआ हो, अब सुबह हुआ और क्या था कि यहाँ के भी लोग जाते थे साथ में, प्रथा थी वो अभी भी प्रथा है, कोई ना कोई जाता है साथ में। जब आप देख सकते हैं कि कथा स्टार्ट हो गई है और एक कथा मेरी मौसी जी द्वारा कही गई है और दूसरी कथा मेरी बहन कह रही है। अगर आपसे कथा नहीं आती है तो आप मार्केट से जाकर सुहागलो पूजा की बुक ला सकते हैं, उसमें कथा रहती है। आप कथा पढ़कर भी अपनी सुहागले पूजा को संपन्न कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आपको जो गुड़ चना मिला हुआ है उसमें से 7 चने को आपको बैठ कर छीलने होते हैं और माता की कथा का श्रवण करना होता है और उनका ध्यान लगाना होता है और सदैव अपने सुहाग की उन रक्षा हो ऐसा अपने मन में आप सदैव स्मरण करते रहिए, माता को शुक्रिया अदा करते रहिए। इस प्रकार से आप कथा भी सुन सकते हैं और माता का ध्यान लगा के पुण्य लाभ भी अर्जन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं सभी महिलाएं माता का सुहाग ले रही हैं। सुहाग लेने के लिए आप नीचे कलश देवता में, फिर ऊपर माता जी में, तुलसी जी में सुहाग यानी सिंदूर उन्हें लगाकर अपनी मांग में भरें और अखंड सुहाग की कामना करें। आप देख सकते हैं कि महिलाएं सुहाग लेने के बाद सभी चौकी में हाथ लगाई हुई हैं और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करती हैं कि जो भी हमसे पूजा के दौरान भूल चुकी हो उसके लिए क्षमा कीजिए और हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए, अखंड सौभाग्यवती बनाए रखिए। इसके पश्चात हम माता से विदाई लेते हैं और माता को खुशी खुशी विदा करते हैं। इस प्रकार से आप माता की विदाई अवश्य करें। माता से विदाई लेने के बाद उनके विसर्जन की बारी आ चुकी है और आप देख सकते हैं हम तालाब के पास आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद मन को शांति मिल रही है। माता का विसर्जन तालाब में किया जा रहा है जिसमें छुई की साथ जो डिगले हैं वो गुड़ चना जो उनका प्रसाद है, मीठा भोग, वो सब जल में प्रवाहित किया जा रहा है। तालाब में प्रवाहित करने से जल जीव जंतु और मछली जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसी के साथ हमें पुण्य लाभ अर्जन होगा। इसी प्रकार माता का विसर्जन किया जाता है।